नमस्कार, मैं हूं अमिता मिश्रा और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज से 31 मार्च तक बीजेपी की जनसंपर्क यात्रा का आगाज हो चुका है। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर संगठन की कड़ी को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि 21 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं और जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से प्रदेश की 90 विधानसभा एवं 11 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं के बारे में आम लोगों तक प्रचार कर रहे हैं। वही हमारे स्टेट हेड आरके गांधी ने बीजेपी के इस जनसंपर्क यात्रा को लेकर लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत से खास बातचीत की और उनसे जाना इस यात्रा के कुछ अहम बिंदुओं के बारे में। तो देखिए लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत के साथ खास बातचीत। जनसंपर्क यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ डिप्टी मंत्री और इस विधानसभा क्षेत्र के प्रबल उम्मीदवार दावेदार हमारे साथ राजेश मूणत जी मौजूद है। इस जनसंपर्क यात्रा को किस तरह से समझा है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता से संवाद स्थापित करती है। 14 साल में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार काम कर रही है। लगातार कोई न कोई माध्यम, चाहे हम जनसंपर्क के माध्यम से हो या इस शहर के अंदर विकास के काम के माध्यम हो या लोगों से मिलना पार्टी नित्य प्रक्रिया के माध्यम से लोगों संपर्क स्थापित करती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर 11 तारीख को संपूर्ण नेतृत्व तो पूरे प्रदेश के कोने कोने में इस पदयात्रा के माध्यम से 90 विधानसभाओं में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क करने निकला है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच में अपने क्षेत्र में निकला हूं। आज मेरी यात्रा को शुभारंभ करने हम सबके प्रिय नेता माननीय सांसद रमेश बेजी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं हम सब लोग एक ही सोच है, एक ही कल्पना है, विकास के काम, विकास को आगे बढ़ाने, सबके साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र को लेकर के माननीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से गरीब व्यक्ति की सेवा का संकल्प ही हमारा संकल्प है। गांव का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, शहर का विकास होगा, तरक्की अपने आप पहुंचेगी। और आज इसी काम को लेकर जनता का सैलाब आज आपके बीच में देखने को मिल रहा है। मैं आप सबके माध्यम से जनता की सेवा करने निकला और मैं आपको विश्वास है कि शहर के विकास मेरी प्राथमिकता है।